खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं आरक्षण मांग कर रहे अभ्यर्थी। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं, शैलेश अरोड़ा के पास। वो हमें दिखाने जा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। शैलेश, वहां की तस्वीरें दिखाई और बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए यहाँ पर एक और गाड़ी पुलिस की आई है और जो यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद थे, खास तौर से अब देखिए अधिकतर महिला अभ्यर्थी बची थी, उन सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है। अपने छोटे बच्चों तक के साथ ये देखिए अभ्यर्थी आई हैं। एक बच्चा जो है उसको एक महिला पुलिसकर्मी ने दिया, उसकी माँ को देखिए यहाँ से उठाया है, बच्चा रो रहा है इस समय। फिलहाल उसके बाद उसकी माँ के हाथ में बच्चे को सौंप दिया गया। तो देखिए आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो पहुँचे हैं, अपनी मांग को लेकर बातचीत करेंगे उन लोगों से, जानेंगे एक बार फिर से इन्हीं लोगों से, क्योंकि इनकी पीड़ा जो है, इनका दर्द जो है, क्या कहना चाहिए। इलाहाबाद से सर कल भी आए हैं। चलो चलो, झूठ बोलता है कि हम लोग को मिलने नहीं देता सर। तो आप देख सकते हैं और इस समय देखिए जितने अभ्यर्थी हैं उनको इसी पुलिस की बस में भर दिया गया है। यहाँ से इन लोग को ले जाया जा रहा है अब इको गार्डन की तरफ, जहाँ पर इनको रखा जाएगा धरना स्थल। और देखिए इससे पहले भी पुलिस की गाड़ियाँ जो है भर कर ले जाई गई थी। देखिए तमाम अभ्यर्थी जो है इस बस में बैठे हुए, महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी, देख लीजिए ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग अपनी बात भी यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं। एक तो ये लोग घोटाला करते हैं, ऊपर से हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं दे रहे। अवैध जाके वहाँ पे जो नौकरी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं। जा रहा मारा जा रहा, राम राज में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अधिकारियों मंत्रियों जो घोटाला किए उनके ऊपर कोई योगी जी अत्याचार नहीं कर रहे, उनको बल्कि सम्मानित कर रहे हैं। यही उनका दलित पिछड़ा आयोग है। दलित पिछड़ा आयोग इतनी झूठ बोलती है, बताओ। मंत्री जी आए थे और बगल से निकल गए और ये लोग हम लोग। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र, क्योंकि जी, जी। बहुत अच्छे से राजेंद्र मैं जानता हूँ कि ये जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है इनके मामले को आप भी बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं काफ़ी हद तक। ऐसे में ये भी आपने तमाम बार देखा है कवरेज के दौरान कि ये लोग किस तरह से अपनी मांग को लेकर आते हैं, लेकिन आज एक दृश्य जो हमने खुद यहाँ पर देखा, अभ्यर्थी मंत्री के गेट के बाहर बैठे हुए थे धरने पर। अंदर से कहा जाता है कि मंत्री जी लखनऊ में नहीं है और अचानक से मंत्री जी गाड़ी में सवार होकर निकल जाते हैं बिना बात के। कुछ और अभ्यर्थी है, शालिनी नाम है मेरा। इन लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों के साथ। माननीय योगी जी से यही अपील है कि अब अत्याचार न्याय करो, न्याय करो योगी जी, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो जी सर। हमारा देख सकते हैं किस तरह से जो अभ्यर्थी राजेंद्र उनको यहाँ से पुलिस जो है लेके चली गई है, निकल गई है। इससे पहले भी पुलिस बसों में भरकर इन अभ्यर्थियों को अब से थोड़ी देर पहले लेके गई थी, लेकिन जो इन लोग को सबसे बड़ी पीड़ा है, देखिए कोई भी कोर्ट का फैसला आता है तो उसमें जाहिर सी बात है किसी पक्ष को राहत मिलेगी तो कोई पक्ष होगा जिसको झटका लगेगा। ये कोर्ट का फैसला है, हम उस पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन निश्चित रूप से ये बात जरूर उठेगी कि जो 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती है उसमें अगर आप देखें तो शुरू से ही आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर घमासान छिड़ा रहा जब से ये भर्ती प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ही 6800 जो पद थे और अगर हम बात करें तो उसको लेकर एक आदेश होता सरकार का, और अब हाईकोर्ट ये बोलता है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारी ही जिम्मेदार हैं विभाग के, जिनकी वजह से ये पूरा मामला इन तकनीकी चीज़ों में, इन पेचीदगियों में फंसा है। और इस फैसले के खिलाफ वो मांग कर रहे हैं कि अब ऊपर की कोर्ट में जाना चाहिए सरकार को और इनके लिए बात करनी चाहिए। वहीं देखिए एक दूसरा पहलू भी है इस पूरे मामले में, एक वो अभ्यर्थी भी है सामान्य वर्ग के जो कोर्ट के इस फैसले को सही मान रहे हैं, लेकिन इस पूरी उधेड़बुन के बीच में अगर हम आपसे एक लाइन में कहें, इसके क्रक्स के रूप में बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि जिन अधिकारियों की वजह से ये चीज़ें इतनी पेचीदगी भरी हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब, उनके खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं। यही सवाल ये अभ्यर्थी बार बार उठा रहे हैं कि जो अधिकारी जिनकी वजह से ये चीज़ें हमेशा, चाहे 68,500 की भर्ती के शुरुआती दौर की दिक्कतों को आप याद कर लें, चाहे आप 69,000 की भर्ती की दिक्कतों को बात कर लें, तो इनकी यही बात हमेशा रहती है कि आखिर ये चीज़ें इतनी फंसती क्यों हैं शिक्षक भर्ती की, आखिर ये नियम इतने क्लियर क्यों नहीं होते हैं कि मामला कोर्ट में चला जाए, और फिर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर पहले आपने जो आरक्षण लगाया था वो सही था तो बाद में 6800 क्यों जोड़ने पड़े, और अगर जोड़ने पड़े यानी पहले वाला आरक्षण गड़बड़ था तो उस स्थिति में अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई ये सवाल, अगर ये वाली गड़बड़ी हुई है तो इसको करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई ये भी सवाल उठता है। कुल मिलाकर जो विभाग के अधिकारी जो तैयारी अपनी करते हैं उसमें खामियां छोड़ देते हैं, कमियां छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी के लिए उसी तैयारी कर रहे हैं, उनको सड़कों पर बैठना पड़ता और उसी प्रोसीजरल जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से सामने आ रही है सारे प्रदर्शन की तस्वीरें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।